अगर आप भी चाहते हो हरियाणा में अपने खुद के नाम पे एक राशन डिपो खोलना, तो उसके लिए कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, किन किन डॉक्यूमेंटों की जो है वो आपको आवश्यकता होगी, किस गांव में कितनी वैकेंसी हैं और उन वैकेंसी के ऊपर कौन कौन जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन ऑन कर लें। अब बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करवाना है, तो सीधा डायरेक्ट आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के दिखाते हैं कि कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सरल की एक सिटीजन आईडी जो हो बना लेनी है। इसके बाद जो है यहाँ पे कॉर्नर में दिखाई दे रहा है सर्विस का, यहाँ पर व्यू ऑल सर्विस पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप इस पे ओके करोगे, ओके करने के बाद जो है कॉर्नर में यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन जो हो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको सर्च करना है FPS। ये सर्च करते ही आपके सामने स्कीम जो है यहाँ पे आ जाएगी फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस के लिए। आपको जैसे ही आप इसके ऊपर ओके करोगे, ओके करने के बाद क्या है यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशनें जो हैं इस फार्म को अप्लाई करने की, वो यहाँ पर दिखाई जाएंगी। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि आपको सबसे पहले अपने गांव की वैकेंसी जो है वो चेक करनी है कि किस गांव में कौन सी वैकेंसी है। और दूसरा जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि किस गांव में जिस गांव की वैकेंसी है उस गांव का ही आदमी उसको अप्लाई कर सकता है, अदर अप्लाई नहीं कर सकता। तीसरा जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि 21 साल से लेकर 45 साल के एज के बीच में ही अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई हैव फैमिली आईडी पर जैसे ही आप ओके करोगे, ओके करने के बाद यहाँ पर दिखा देगा कि आप यहाँ से लिस्ट जो है सबसे पहले देख सकते हो। तो लिस्ट के जैसे ही मैं इस पर ओके करता हूँ यस पे, तो ये लिस्ट जो है मेरे सामने आ चुकी है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, वुमेन के लिए कितनी है और जनरल के लिए कितनी है। जनरल के लिए जो वैकेंसी दी गई है उसमें कोई भी पुरुष जो है, चाहे वो SC ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी से हो, हर पुरुष जो है इसको अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर देखिए जिस तरह मैं अम्बाड़ा की यहाँ पर देखूँ तो हर गांव की यहाँ पर वैकेंसी दिखाई गई है कि किस गांव में कितनी वैकेंसियाँ हैं। इसी तरह आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हर जगह के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, वापस से साइट पे आना है, यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी का नंबर जो है यहाँ पर आपको इंटर करना है। जैसे ही फैमिली आईडी का नंबर इंटर करोगे, वेरीफाई पे ओके करोगे, यहाँ पर मेंबर का नेम जो है सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो कोई भी मेम्बर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ, हमारे फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जो है वो चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पर OTP मैं इंटर करता हूँ, इंटर करने के बाद क्लिक हेयर वेरीफाई OTP का जो ऑप्शन है मैं इसके ऊपर ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे ओके करता हूँ, ओके करने के बाद कुछ डाटा ऐसा है जो मेरा प्रीफिल यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है हमारे गांव में, तो हम अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डाटा ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा और कुछ डाटा जो है हमें यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे फिल करूँगा तो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हमारा गांव का नाम जो है विलेज का नाम हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो जो आपका गांव का नाम जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सांद्रवास गांव ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद जो है आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर LL जो है ये लोकल लैंग्वेज है, यानी कि आपको हिंदी में आपको यहाँ पे ये टाइप करना है। तो मैं जो हमारा एड्रेस है उसको कॉपी करके इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर के ज़रिए इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और कन्वर्ट करने के बाद इसको कॉपी करके मैं वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद लोकल लैंग्वेज जो में जो है आपका लैंडमार्क जो है यहाँ पे भरना होगा हिंदी में, तो इसको भी जो मैं है यहाँ से कॉपी करके दोबारा से ट्रांसलेटर में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको यहाँ हिंदी में कॉपी कर लिया और वहाँ पर हिंदी में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये करने के बाद जो है यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको जो है आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी। कम से कम आप यहाँ पर 12th पास अप्लाई पास कर चुके होंगे तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th पास यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर जो है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर हो। उसके बाद आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करना है कि आधार की ऑथेंटिकेशन जो है वहाँ यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट जो हो सिलेक्ट कर लेनी है, जर्नल है, वुमेन है, विडो है, फीमेल एसिड अटैक है या बैकवर्ड क्लास है। तो यहाँ मैं बैकवर्ड क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश में यहाँ पर अपनी शॉप का नाम जो है वो आपको डालना है, जैसे मैं यहाँ पर जांगड़ा डाल देता हूँ। और यहाँ पर हिंदी में आपको यहाँ पर डालना है, तो इसको कॉपी करके मैं दोबारा से जो है ट्रांसलेटर के माध्यम से हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ फेयर प्राइस शॉप कौन सी जगह पर है, तो मैं यहाँ पर सांद्रवास लिख देता हूँ।
इसके बाद जो है स्ट्रीट का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, तो स्ट्रीट का एड्रेस आपको डालना है, आपके प्लॉट का नंबर जो हो यहाँ पे डालना है, खाता नंबर जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है मोजा, मोजा नंबर क्या होता है, इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो जो है वो बना दूंगा कि मोजा नंबर क्या होता है। वैसे मेरा 131 है तो मैंने यहाँ पे 131 डाल दिया है। काफ़ी सारे लोगों को जो ये नहीं पता कि मोजा नंबर हमारा क्या होता है, तो मोजा नंबर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पर दोबारा से जो है शॉप का लैंडमार्क जो है यहाँ पे मांगा गया है, तो लैंडमार्क हमारा जो है हम यहाँ पर डाल देते हैं कि हमारा बर्तू पन्ना जो है, हर गांव में एक पन्ना होता है, तो पन्ना का नाम जो है यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है ये आपके जो शॉप जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो उस जगह की लोकेशन जो है वो आपको यहाँ पर डालनी है, और इसके लिए आपको एक नक्शा जो हो बनवाना पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं आगे बता दूंगा जब डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर बिल्डिंग का जो हो प्रकार मांगा गया है कि बिल्डिंग कैसी है, कच्ची है या पक्की है, RCC की बनी हुई है या फिर आपके जो हैं गाटर टुकड़ी की बनी हुई है या फिर अदर कोई किसी तरह की छत आपने लगाई है, तो वो यहाँ पर दिखाया गया है। ऑक्यूपेशन जो हो यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयड ही करना है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार है उसी के लिए जो है कोटा आवंटित किया जाएगा। अगर आप किसी रोजगार में हैं तो आपको कोटा जो है वो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद अगर पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे तो आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पुराना कोई लाइसेंस नंबर है तो आप यहाँ पर वो लाइसेंस नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद दोनों पे टिक करना है, कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पर भर के उसके बाद आपको सिंपली जो है सबमिट पे ओके कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे ओके करोगे, सबमिट पे ओके करने के बाद प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपका पूरा डाटा जो है यहाँ पे आ जाएगा कि आपने क्या फिल किया था। एक बार दोबारा से जो है इसको पूरे फार्म को जो है दोबारा से आपको चेक कर लेना है कि सभी चीज़ें जो है अच्छी तरह से भरी गई हैं या फिर नहीं। उसके बाद अटैच एनेक्सर का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर ओके करना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो है इससे रिलेटेड, फार्म से रिलेटेड वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। सबसे पहले रेजुलेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप का लाइसेंस जो है, इसके लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो आप यहाँ पे आपके फूड ऑफिस से बनवा सकते हो। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर का कोर्स जो है वो आपको यहाँ पे उसका डिप्लोमा जो है यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद एजुकेशन में 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। एड्रेस प्रूफ में आप आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी के तौर पर आप यहाँ पर आधार कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो कर रहा है उस पासपोर्ट साइज यहाँ पर आपको डालनी है, सिग्नेचर आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद अगर आपकी जगह पर किसी रेंट पे है तो रेंट का एग्रीमेंट, अगर आपकी खुद की जगह है तो आप यहाँ पर अपने ज़मीन की रजिस्ट्री या फिर फर्द वगैरह यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद साइट मैप फॉर परमिशन FPS, तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी नक्शा नवीस से आपको मिलना है या पटवारी वगैरह से भी आप ये नक्शा जो है वो बनवा सकते हो। उसके बाद अंडरटेकिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये दिया गया है कि आप हाल ही में जो सरपंच है आपके गांव का या आपके शहर का MC है, तो उसके आप कोई क्लोज रिश्तेदार तो नहीं हैं, तो इसका एक एफिडेविट जो है वो आपको किसी तहसील या कोर्ट से आपको बनवा लेना है। उसके बाद दोबारा से एक अंडरटेकिंग यहाँ पे दी गई है, इस अंडरटेकिंग में जो है यहाँ पर आपको एक दोबारा से एक एफिडेविट जो है किसी कोर्ट की सहायता से या तहसील की सहायता से आपको बना लेना है कि मेरे नाम पर पहले कोई भी लाइसेंस नहीं था और मेरा कोई भी लाइसेंस जो है किसी कारणवश रद्द नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ के लिए आप या तो कोई एफिडेविट बनवा सकते हैं या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अदर में कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो आप वहाँ पर कोई अदर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद सेव एनेक्चर पे ओके करके सिंपली आपका फार्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो इसकी फ़ीस है वो फ़ीस आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी।